दोस्तों आप सभी का स्वागत है डेल टेक वाइब्स के एक और नए वीडियो में। और आज की वीडियो अपना फाइनल वीडियो होने वाला है, एक तरह से फाइनल इंस्टॉलमेंट होने वाली है अपने पावर ब्रिक सीरीज का, जिसमें 5 वीडियोस मैंने अब तक डाल दिया है और ये छठा वीडियो है जिसमें मैं ये कंप्लीट जो पावर ब्रिक हो चुका है इसकी मैं एप्लीकेशंस के बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या क्या इसके फीचर्स हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस टाइप के पावर ब्रिक को बनाने में और इस प्रोजेक्ट को अगर आप खुद से ट्राई करना चाहते हैं तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप पहले के 5 प्रीवियस वीडियोस आप देखिए, जिसमें मैंने इसकी पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है 5 पार्ट में। इसमें कौन कौन से पार्ट्स यूज़ हुए हैं, कितने उसकी प्राइसिंग है, कहाँ कहाँ से आपको ये मिल सकते हैं, कैसे इसकी वायरिंग हुई, किस प्रकार मैंने ये 3D शेल डिज़ाइन किया है, पूरा जो ये 3D जो इसका पूरा केसिंग है ये 3D प्रिंटेड केसिंग है पूरा कम्प्लीट, और ये मैंने पूरा ज़ीरो से स्टार्ट करके बनाया है। कोई एक्सपीरियंस नहीं है मेरे को डिज़ाइनिंग और इस प्रकार के 3D प्रिंटिंग में, बट मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। तो आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, हमारी काफ़ी मेहनत उसमें लगी है। तो अगर आप इस वीडियो पे डायरेक्ट अगर आप आए हैं तो प्लीज़ आप हमारे प्रीवियस 5 वीडियो इस प्लेलिस्ट की आप चेक कीजिए, उसमें आपको पूरी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। उसके इस वीडियो में एप्लीकेशंस मैं बताऊँगा, तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं आइडियल टेक वाइब्स। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको हमारा कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए ताकि चैनल में कंटिन्यू ग्रोथ हो सके और इसी प्रकार की वीडियोज़ मैं कंटिन्यू ला सकूँ। अब हम यहाँ पर बात करते हैं इस पावर बैंक की। तो एक तरह से मैंने इसे पावर ब्रिक कहा है क्योंकि ये पावर बैंक से तो काफ़ी बड़े साइज़ में है और वेट भी तकरीबन 2.5 किलो के लगभग होगा। और आप देख सकते हो अभी ये करेंटली 50% चार्ज है, ये 100% जब चार्ज होता है तो इसमें 12.45 के लगभग वोल्टेज होता है। तो ये जो भी वोल्टेज इंडिकेटर है ये आप देख सकते हो 11.2 वोल्ट दिखा रहा है 50% पे। तो ओवरव्यू आप देख सकते हो, हालांकि 5 पार्ट में आपको अंदाज़ा लग चुका होगा कि किस टाइप का ये बनने वाला है अपना कम्प्लीट पावर ब्रिक। तो आप देख सकते हो दोनों तरफ ग्रिल मैश डाले हुए हैं मैंने, एक तरह का ग्रिल जैसा ये डिज़ाइन हो गया और वेंटिलेशन के लिए काफ़ी ज़रूरी है दोनों तरफ। अदरवाइज अंदर लिथियम आयन बैड सेल्स हैं, वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में अगर हाई एम्पेरेज में ये चार्ज हो या डिस्चार्ज हो तो ये हीट प्रोड्यूस करते हैं, तो डिसिपेशन के लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा, हीट डिसिपेट होता रहेगा। तो इसलिए मैंने इसमें दोनों तरफ ग्रिल लगाए। बॉटम में आपको ये रबर के मैंने पैड लगा दिए हैं, आपके पास अगर किसी टाइप का अलग डिज़ाइन का रबर पैड हो तो आप वो लगा सकते हैं। मेरे पास ये दो पुराने रबर पैड पड़े हुए थे, ये एक नॉर्मल कॉलम स्पीकर के हैं तो उसके रबर पैड मैंने यहाँ लगा दिए ताकि स्लिप ना हो। और फ्रंट से अगर मैं आपको दिखाऊं तो सामने आपको 4 USB पोर्ट मिल जाएंगे, प्रत्येक जो पोर्ट है ये 24 वोल्ट सपोर्ट करता है। और ये आपको यहाँ पे डिस्प्ले मिल जाएगी जो वोल्टेज और परसेंटेज दोनों दिखाता है साथ में, और इसकी सेटिंग आप चेंज कर सकते हो। आप चाहो तो विदाउट आप सेटिंग में जाओगे अगर आप इसे बंद करते हो ऐसे करके, और सेटिंग का अगर आप बटन दबाते हो कंटिन्यू उसके बाद आप डिस्प्ले का स्विच ऑन करते हो तो ये देख सकते हो ये सेटिंग में चला गया। तो यहाँ से आप बैटरी की जो सीरीज़ है वो आप चेंज कर सकते हो, आप इसे 4 वोल्ट में लगा सकते हो, 8 वोल्ट में लगा सकते हो, 12 वोल्ट में लगा सकते हो। तो हमने यहाँ पे सीरीज़ में लगाया हुआ है 12 वोल्ट, तो एक तरह से ये 3 की सीरीज़ बन जाती है। तो उस प्रकार ये आप इसे यहाँ पे सेटिंग चेंज कर सकते हो और ये वापस अब नॉर्मल वोल्ट पर आ जाएगा। तो उसमें आप ये सेट कर सकते हो डिस्प्ले को, कैसे सेट करना है, क्या क्या मतलब आपको डिस्प्ले के डिस्प्ले लाइट के साथ आपको रीडिंग चाहिए, विदाउट डिस्प्ले लाइट के साथ रीडिंग चाहिए, आपको सिर्फ वोल्टेज वोल्टेज शो कराना है, सिर्फ परसेंटेज शो कराना है, वो सभी इसमें तकरीबन 10-12 अलग टाइप की सेटिंग्स होती है। तो इसमें हम सेटिंग परफॉर्म कर सकते हैं, तो एक डेडिकेटेड वीडियो बन जाएगी इस डिस्प्ले से रिलेटेड। तो आप अगर आप कमेंट करते हो और कमेंट की मेजोरिटी अगर ज़्यादा होती है, आप लोग इंटरेस्टेड हो इस डिस्प्ले में, तो मैं इससे डेडिकेटेड एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। और तो फिलहाल आप देख सकते हो ये इतने वोल्टेज पे इतने परसेंटेज अभी चार्ज है। और दूसरा जो ये स्विच मैंने दे रखा है ये अपने चार्जिंग मॉड्यूल के लिए, चार्जिंग मॉड्यूल की चारों लाइटें जल चुकी हैं, हर एक मॉड्यूल का एक LED है, यानी 4 मॉड्यूल यहाँ पर चारों के पास एक एक LED है। इसमें भी अलग अलग वेरिएशन आते हैं, दो स्लॉट का भी बोर्ड आता है, 4 स्लॉट का भी आता है, 6 का भी आता है, सिंगल स्लॉट भी आता है। तो मैंने यहाँ पे 4 स्लॉट वाला लिया हुआ है और
चार स्लॉट वाला वोल्ट बोर्ड है ये, और इसकी जो पावर रेटिंग है इनपुट में ये 12 वोल्ट सॉरी इनपुट में ये 9 वोल्ट से लेकर के ये 48 वोल्ट तक ये ले लेता है। तो अगर आपके पास लेड एसिड बैटरी है, कोई 12 वोल्ट की बैटरी है, 16 वोल्ट की, 24 वोल्ट की बैटरी है, तो उससे भी आप अपने नॉर्मल डिवाइस को चार्ज कर सकते हो, जो कि काफ़ी बढ़िया रहेगा। कार में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, 12 वोल्ट या 24 वोल्ट का अगर आपके कार में सेटअप है कार बैटरी का, तो उससे भी आप इसे कनेक्ट करके आप अपने USB डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। और ये 24 वाट का आउटपुट देता है प्रत्येक USB पोर्ट, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। तो यहाँ से हम इसे बंद कर देते हैं, इससे पावर सेव रहता है, और जब हमें यूज़ के लिए ज़रूरत पड़ती है तो हम यहाँ से USB मॉड्यूल का पावर ऑन कर देते हैं। और यहाँ से डिस्प्ले देखना हो तो डिस्प्ले का हम इसे पावर ऑन कर देते हैं। शुरू में जब हम ऑन करते हैं तो ये वोल्टेज थोड़ा सेट होता है, उसके बाद एक जगह जा करके स्टेबल होगा। और यहाँ पर ये चार्जिंग का ये पोर्ट मैंने सामने दिया हुआ है DC जैक, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार का मैं चार्जर करेंटली यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जो चार्जर है आप देख सकते हो, एक नॉर्मल ऐसे ही लोकल चार्जर है ये, 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर का ये चार्जर है। तो ये तकरीबन 24 से 26 घंटे ले लेता है इस बैटरी को 0 से लेकर के 98-99% यानी कह सकते हो आप फुली चार्ज करने में। तो ये 24 से 26 घंटे ले लेता है इस एम्परेज पे। तो अगर आप थोड़ा फास्ट चार्जिंग करना चाहते हो तो आप 12 वोल्ट 2 एम्पियर या 12 वोल्ट 3 एम्पियर लो। मेरा सजेशन रहेगा कि आप 12 वोल्ट 3 एम्पियर लो, उससे ज़्यादा अगर आप लोगे तो फिर आपको इसमें हीटिंग इश्यूज थोड़े देखने को मिलेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा एम्पियर ये चार्ज होगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। तो हालांकि कोई ज़्यादा इशू नहीं होगा, बट मेरे हिसाब से 12 वोल्ट 3 एम्पियर मोर देन इनफ रहेगा, आपको तकरीबन 16 से 18 घंटे में बैटरी पूरी चार्ज कर देगा अगर आप 12 वोल्ट 3 एम्पियर यूज़ करते हो। और 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर मैं यूज़ करता हूँ अभी करंटली, तो ये लगभग 24 से 26 घंटे ले लेता है चार्ज होने में। तो आप 12 वोल्ट यहाँ पे 2 या 3 एम्पियर आप यूज़ करें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो इस प्रकार का मैं चार्जर यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ये आगे का सिरा टूट गया था तो ये दूसरा मैंने लगा दिया है नॉर्मल, आप देख सकते हो ये मोटे पिन का DC जैक है, तो इससे हम चार्ज करते हैं यहाँ पर। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसके और सारे फीचर्स की, क्या क्या हम इस पावर बैंक से यूज़ करते हैं अभी करंटली। तो आप इससे एक देखे होंगे 12 वोल्ट के जो भी मोटर होते हैं वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये प्रोजेक्ट के लिए मैंने यूज़ किया था। ऐसे मेरे पास दो मोटर और हैं, एक मैंने किचन में एग्जॉस्ट के तौर पे लगाया हुआ है, और इससे मैंने छोटी सी एक ड्रेमल टाइप की, ड्रिल मशीन टाइप की बना रखी थी, जो कि छोटी मोटी ग्राइंडिंग वगैरह में काम आती है। हालांकि इसका RPM काफ़ी तेज़ है दोस्तों, 10,000-12,000 RPM पे चले जाता है, काफ़ी स्पीड वाला RPM देता है ये। तो ये इसमें थोड़ी ख़राबी आ गई थी तो मैंने ब्रश वगैरह थोड़ा ठीक किया, तो थोड़ी सी कम RPM देता है, बट ये 12 वोल्ट पे काफ़ी अच्छा RPM देता है। तो आप इससे अगर आप किसी प्रोजेक्ट में यूज़ करते हो, छोटा कोई कूलर बनाते हो, फ़ैन बनाते हो, एग्जॉस्ट फ़ैन बनाते हो, पंप बनाते हो, और साइकिल वगैरह में भी आप देखते हो मोटर पावर्ड साइकिल, कई प्रोजेक्ट में आपने देखा होगा यूट्यूब पे, तो उस टाइप के प्रोजेक्ट में काफ़ी काम आता है। तो उस टाइप के ये मोटर भी काफ़ी बढ़िया से चला देता है। 12 वोल्ट का मोटर है ये, 5 वोल्ट 2 एम्पियर से लेकर के मैंने इसे 48 वोल्ट तक चलते हुए देखा है, और करंटली मैं इसे 12 वोल्ट पे चला रहा हूँ। तो ये जो आप DC जैक देख रहे हो ये इनपुट और आउटपुट दोनों में काम आता है। तो अभी हम इसे आउटपुट लेने वाले हैं, सेम कनेक्ट करने पर देख सकते हो रोटेशन होने लगी, मैंने आगे तार लगा दिया ताकि वीडियो में आपको अंदाज़ा लग सके कि ये रोटेट हो रही है, तो देख सकते हो। इस मोटर में थोड़ी सी डिफेक्ट है जिस कारण ये थोड़ी आवाज़ करती है, बट ये रोटेट हो रहा है, आप देख सकते हो, ये देख सकते हो रोटेट हो रहा है। तो इस प्रकार के आप मोटर भी इससे चला सकते हो 12 वोल्ट पे, अगर आपके पास 12 वोल्ट की LED स्ट्रिप है, 12 वोल्ट का अगर आपके पास लाइट बल्ब है, लाइट का अगर आपके पास स्ट्रिप है, और अगर प्लेट है जो इमरजेंसी प्लेट आती है 12 वोल्ट वाली, वो सब आप इससे चला सकते हो। 12 वोल्ट की मोस्टली सभी सारी डिवाइसेस चल जाएंगी। अगर आपका राउटर है 12 वोल्ट पे, अगर आपको कोई प्रोजेक्टर वगैरह चलाना है, कोई डिवाइस चार्ज करना है, तो वो सभी चीज़ ये 12 वोल्ट के आउटपुट से ये आराम से चार्ज कर देगा। बस आपको पावर रेटिंग का थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि वहाँ पर कितने पावर रेटिंग की रिक्वायरमेंट है, कितने वोल्ट और कितने एम्परेज की रिक्वायरमेंट है, उस अकॉर्डिंग आप इसे देख करके यूज़ कर सकते हो। काफ़ी बढ़िया ये वर्सेटाइल चीज़ बनी हुई है, ये 12 वोल्ट और 5 वोल्ट दोनों पे बढ़िया काम करता है। इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ 5 वोल्ट पे कुछ चीज़ें चला करके, जो जो अभी करंटली मेरे पास करंटली अभी अवेलेबल है, मैं उस चीज़ से मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये एक Redmi का फ़ोन है, Redmi 9 Prime, ये भी मैं आपको चला करके दिखा देता हूँ। उसके बाद ये भी Redmi 4 Prime है दोस्तों, Redmi का मैं फ़ैन हूँ, ऐसे सस्ते टिकाऊ फ़ोन देता है और चल जाते हैं, बजट में फ़ोन है, सबसे बड़ी बात तो ये है बजट के फ़ोन आते हैं और टिक जाते हैं काफ़ी लंबे टाइम।
ये Redmi 4 काफ़ी पुराना है, 2017 का मॉडल है, अभी 2024 चल रहा है। और दोस्तों एक बार सिर्फ बैटरी चेंज कराई है और अभी तक सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फ़ोन एक है, साथ में पावर बैंक है यहाँ पर, ये भी MI का पावर बैंक है, Redmi का, Xiaomi का ये पावर बैंक है 10,000 mAh का, इसे भी चार्ज करके दिखाऊंगा। और एक बार मैं आपको पावर रेटिंग दिखा देता हूँ इस पर। ये एक USB टेस्टर मशीन है, नॉर्मल आपको Amazon वगैरह पे मिल जाएगा, इसकी लिंक मैं डाल दूंगा। इससे रिलेटेड मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है काफ़ी पहले, तब से काफ़ी काम आ रहा है मेरे, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितनी वो इसकी पावर रेटिंग है। हालांकि इसमें USB पोर्ट अपसाइड डाउन है, तो इसे पावर बैंक को अगर आपको मॉनिटर पे दिखाना है इसके स्क्रीन पे, तो मुझे उल्टा लगाना पड़ेगा इसे। तो देख सकते हो यहाँ पर इसकी पावर रेटिंग 5.17 वोल्ट दिखा रहा है यहाँ पर। एम्परेज 0 दिखाएगा क्योंकि अभी कोई आउटपुट नहीं है। मैं इसे रिसेट कर देता हूँ ताकि टाइम वगैरह सब रिसेट हो जाए, बाकी देख सकते हो। तो इससे मैं रिलेटेड मैं यहाँ पर लगा करके आपको दिखा देता हूँ फास्ट चार्जिंग। पहले मैं आपको चार्ज करके दिखा देता हूँ 18। दोस्तों ये सेटअप कर दिया मैंने, ये देख सकते हो। तो ये डिस्प्ले मैंने लगा दिया यहाँ पे चार्जिंग का, और फ़ोन मैंने कनेक्ट कर दिया है। मैं दोबारा एक बार आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो आप, चार्जिंग लेना शुरू हो गया यहाँ पर। और अभी आप देखोगे यहाँ पर फास्ट चार्जिंग, ये क्विक चार्ज लिखा है इस पर। और यहाँ पर लोगों, आप जो MI यूज़र होंगे उन्हें पता होगा कि ये लोगों का मतलब क्या होता है। यहाँ पे डबल वोल्ट दिख रहा है यहाँ पर बैटरी के बगल में, तो ये लोगों ये क्विक चार्ज का इंडिकेशन दिखाता है। और यहाँ पर आपको डिस्प्ले में भी दिख जाएगी, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ डिस्प्ले पे भी देखोगे इस जगह पर आपको 6 वोल्ट 6.8 वोल्ट दिखाएगा और 1.25 एम्पीयर के लगभग दिखाएगा। तो ये तकरीबन अभी बैटरी 85% है, तो फुल जो आउटपुट नहीं ले पा रहा है फ़ोन, बट ये देख सकते हो क्विक चार्जिंग में ऐसा ही होता है, अदरवाइज ये 5 वोल्ट दिखाता। तो एक ये चार्ज यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया, साथ ही साइमल्टेनियसली मैं दूसरा एक और चार्ज लगा के आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी एक ये चार्ज हो रहा है, उसके अलावा मैं दूसरा भी एक लगा देता हूँ। ये भी एक नॉर्मल माइक्रो USB इसमें चार्जिंग होती है, तो ये इसके लिए डायरेक्ट मैं लगा के दिखा देता हूँ। इसमें डिस्प्ले नहीं लगी हुई है क्योंकि USB टेस्टर अपने पे एक ही है, ये Redmi 4 मैंने लगा दिया, और ये Redmi 4 भी चार्ज होने लग रहा है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे फास्ट चार्जिंग लिखा रहा है, और डबल वोल्टेज भी आपको मैं दिखा देता हूँ, ये बैटरी के पास ये डबल वोल्टेज शो हो रहा है, तो ये भी इंडिकेशन दे रहा है कि ये क्विक चार्ज शुरू हो गया इसमें। और इसके बाद मैं अब आपको पावर बैंक भी लगा के दिखा देता हूँ, पावर बैंक भी मैं आपको लगा करके दिखाता हूँ। 2 USB पोर्ट ऑलरेडी लग चुके हैं, तीसरा भी लगा देता हूँ यहाँ पर। तो ये तीसरा हमने कनेक्ट किया, और तीसरा हम यहाँ पर लगा देते हैं, MI का ये पावर बैंक है। तो ये देख सकते हो ये भी चार्जिंग लेना शुरू हो गया, 3 डिवाइस लग गई अपने पास, तीनों डिवाइस मैंने आपको सामने लगा दिया। अब चौथी डिवाइस मैं लगा देता हूँ, थोड़ी जगह बना लेते हैं यहाँ पर टेबल पे। तो ये कंटिन्यू 5 वोल्ट 1 एम्पीयर लेता है, तो इसे भी हम यहाँ पर लगा करके मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी ये खासियत ये है कि ये जो कैमरा है ये कंटिन्यू सर्वेलेंस में आप यूज़ कर सकते हो 24 घंटे। और ये बैटरी बैकअप अगर आपने इसे 100% चार्ज कर रखा है, तो ये तकरीबन आपको कुछ भी नहीं तो कम से कम ये आपको 3 से 4 दिन कंटिन्यू बैटरी बैकअप दे देगा, 3 से 4 दिन कंटिन्यू बैटरी बैकअप देगा ये कंटिन्यू इसे आप अगर लगाते हो तो। तो ये भी मैं USB से कनेक्ट कर देता हूँ, और आप देखोगे यहाँ पर ये इसकी LED लाइट ये भी ब्लिंक हो गई, ये भी पावर ऑन हो गया। डायरेक्ट इसमें पावर आप दोगे ये पावर ऑन हो जाएगा। तो चारों USB पोर्ट में आप देखोगे यहाँ पे मैंने कनेक्शन लगा रखा है, और ये भी किसी में भी पावर ड्रॉप नहीं हुआ। इसमें भी आप देखोगे कंटिन्यू 6 वोल्ट पे 6.5 वोल्ट 7 वोल्ट के लगभग आउटपुट ले रहा है। अगर फ़ोन की बैटरीज का ये सिस्टम होता है कि अगर ज़्यादा वोल्टेज हो जाती है, ये देखो ये कैमरा रिबूट हो रहा है, पूरा ऑटोमेटिक घूम रहा है। फ़ोन वगैरह का ये होता है कि अगर वोल्टेज ज़्यादा मतलब चार्ज हो जाए, लगभग 60-70% पहुँच जाती है, तो फिर ये पावर कम लेता है। इसका मतलब ये डिवाइस को आराम से फिर चार्ज करता है, स्लो चार्जिंग होने लगती है अगर परसेंटेज पहुँच जाए अपने एक मैक्सिमम लेवल तक, उसके बाद फिर यार स्लो चार्ज करता है। तो अभी करेंटली ये फ़ोन जो है ये 89% पे चार्ज है, तो अभी ये बहुत कम एम्पेरेज ड्रॉ कर रहा है, लगभग 1 एम्पेयर ड्रॉ कर रहा है। लेकिन जब ये लगभग 30-40% होता है, तो ये अपने फुल पोटेंशियल में पावर ड्रॉ करता है अडेप्टर से या चार्जर से। सेम वैसे ये भी अभी कनेक्टेड है, ये भी चल रहा है पूरा, और ये भी लगा हुआ है। इसमें भी आप देखोगे कंटिन्यू फास्ट चार्जिंग लिखा आ रहा है, और ये भी फास्ट चार्जिंग में चार्ज हो रहा है। पावर बैंक भी अपना कंटिन्यू चार्ज हो रहा है, देख सकते हो। और अभी मैं आपको यहाँ पे वोल्टेज दिखा देता हूँ, कितना वोल्टेज ये शो कर रहा है। तो ये देख सकते हो
10.829% दिखा रहा है। तो ये जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज शो करता है इस बैटरी के वोल्टेज पर। तो जब आउटपुट यहाँ से अगर ज़्यादा मिलने लग रहा है, अभी ये चारों डिवाइस में पावर दे रहा है, वो भी 12 वोल्ट पे मॉड्यूल को पावर दे रहा है ये बैटरी, और बैटरी इसे 5 वोल्ट में कन्वर्ट करके इन चारों डिवाइस में पावर दे रही है। तो ये अभी यहाँ पर 10.8 वोल्टेज शो कर रहा है और 30%। अगर मैं इस मॉड्यूल को बंद करूँ तो ये वोल्टेज ऊपर चली जाएगी। अब देखोगे धीरे धीरे वोल्टेज ऊपर गेन करना शुरू कर देगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा ही सिस्टम है कि ये जो डिस्प्ले लगा हुआ है ये बैटरी के सिस्टम से लगा हुआ है, ये 12 वोल्ट पे लगा हुआ है, तो बैटरी से डायरेक्ट कनेक्टेड है, बैटरी का वोल्टेज शो करता है। तो जब इस पे बैटरी पे लोड पड़ता है आउटपुट के लिए तो वोल्टेज ड्रॉप होती है, तो यहाँ पर ये ड्रॉप शो करेगा। बट उससे कोई दिक्कत नहीं है अपने को, इससे आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कितना चार्ज है, कितना और चार्ज की ज़रूरत है। तो ये डिस्प्ले इस काम में आता है। वापस मैं मॉड्यूल ऑन करूँगा तो सभी चीज़ें फिर से चालू हो जाएंगी। आप देखोगे सभी डिवाइसेस, पावर बैंक, कैमरा सब चालू हो गए और ये वोल्टेज ड्रॉप हो गया। बट वापस आप जब नॉर्मल करोगे तो नॉर्मल हो जाएंगे। और अभी काफ़ी ज़्यादा एम्पेयर ये ड्रॉ कर रहा है बैटरी से, क्योंकि आप सभी देखोगे सभी फास्ट चार्जिंग में चार्ज हो रहे हैं, वो भी अपना 8-9 वाट वो ले रहा है ये, क्योंकि जबकि ये लगभग 90% चार्ज हो चुका है तो अभी कम ले रहा है। अदरवाइज ये भी 18 वाट लेता है, ये भी अपना 5 वाट का हो गया, ये जो फ़ोन है ये भी 18 वाट लेता है, ये चार्जर भी 18 वाट लेता है। तो देख सकते हो काफ़ी अच्छा एम्पेरेज ये ड्रॉ कर रहा है बैटरी से। तो इसीलिए मैंने, अगर आपने इसके पहले के पार्ट देखे हैं तो आपको पता होगा मैंने बताया था कि थिक गेज का तार यूज़ करना होता है इसी कारण, क्योंकि अगर आप फुल लोड पर आप चलाओगे तो आपको थिक गेज की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एम्पेरेज काफ़ी ड्रॉ होगा तो पतले तार काफ़ी हीट होने लगते हैं। अब मैं साथ में ही आपको ये मोटर भी साथ में लगा करके चला करके दिखा देता हूँ, अपने फुल लोड पर ये अभी चलेगा। तो ये मोटर भी लगा देता हूँ 12 वोल्ट वाला। तो देख सकते हो मोटर भी चलने लग गया, मोटर भी रोटेट हो रहा है और इन सभी डिवाइसेस में भी पावर जा रही है और मोटर भी रोटेट हो रहा है। तो आप समझ सकते हो कि ये पावर ब्रिक कितना पावरफुल है और कितनी अच्छी आउटपुट देता है। अब ये मोटर भी चल रही है और आपके चारों डिवाइस में पावर भी दे रहा है, तो ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा। आप चाहो तो, आपके पास अगर 3D प्रिंटर है तो आप सेल प्रिंट करके बना सकते हो, अदरवाइज़ आप नॉर्मल किसी बॉक्स में या अदर किसी आपको चेसी मिल जाती है तो उसमें आप लगा करके आप ये बना सकते हो कंप्लीट। मेन इसका जो इंटरनल सिस्टम है वो मायने रखता है कि आप किस प्रकार, कौन कौन से टाइप की बैटरी और किस टाइप के मॉड्यूल्स यूज़ कर रहे हो। तो देख सकते हो सभी चीज़ मैंने आपको टेस्ट करके दिखा दिया, और इसी के साथ अपना पावर ब्रिक जो कि 81,000 mAh की पावर ब्रिक का जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट होता है इस लास्ट वीडियो के माध्यम से। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काम की लगी हो। प्लीज़ अगर ये वीडियो काम की लगी है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसी प्रकार की मैं और टेक्निकल वीडियोज़ अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।